नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता आज आपको होम्योपैथी के मयाज्म के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथी बेसिकली जितनी भी क्रॉनिक या पुरानी बीमारियां हैं वो मयाज्म से रिलेट करती हैं। सबसे पहले बॉडी में मयाज्म क्रिएट होता है। किसी भी बीमारी, किसी पुरानी बीमारी को जब अपन देखते हैं तो पुरानी बीमारी ऐसे ही नहीं हो जाती। पुरानी बीमारी का मतलब ये है कि उसकी जो जड़ हैं वो कई दिनों पुरानी होती है, कई महीनों पुरानी हो सकती है। तो एक बॉडी के अंदर एक दोष क्रिएट कर देती है, उस दोष के कारण क्रॉनिक सिम्टम्स आते हैं। तो बेसिकली चार प्रकार के मयाज्म या दोष कहते हैं जिनको अपन, तो मयाज्म चार प्रकार के होम्योपैथी में बताए गए हैं। सबसे पहला मयाज्म है सोरा। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिकली ज़्यादा डिस्कस करेंगे ओनली थ्री मयाज्म के बारे में, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। जो फोर्थ मयाज्म है वो रिसेंटली आया है, और बेसिकली पहले तो तीन ही मयाज्म होते थे, ट्यूबरकुलर मयाज्म जो ये तीन मयाज्म के बाद आया। तो होम्योपैथी के जो दोषों के जो पिलर हैं ओनली थ्री बेसिकली होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। सोरा सभी जितने भी दोष हैं, जितने भी मयाज्म हैं सबकी मदर है, ऐसे अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले सोरा होगा। सबसे पहले सोरा होगा, इसके बाद या तो सिफिलिस होगा या फिर साइकोसिस में जाएगा पेशेंट या फिर ट्यूबरकुलर मयाज्म में जाएगा, लेकिन सबसे पहले सोरा होना निश्चित है। तो कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले सोरा दोष उसके अंदर जाता है। तो सोरा का मतलब ये होता है, बेसिकली सोरा का जो शाब्दिक अर्थ है वो इचिंग होता है, इचिंग, इच। डिक्शनरी में सोरा को इच कहते हैं। तो सभी बीमारियों को अगर अपन लेते हैं तो सभी बीमारियों का सबसे पहले मयाज्म है वो सोरा होता है। सोरो सिफिलिस भी हो सकता है, दो मयाज्म एक साथ भी हो सकते हैं, सोरो साइकोसिस भी हो सकता है, तीनों मयाज्म एक साथ भी हो सकते हैं, सोरो साइको सिफिलिटिक। तो सबसे पहले अपन सोरा मयाज्म के अंतर्गत चर्चा करते हैं कि सोरा के अंतर्गत जितने भी चर्म रोग हैं बॉडी में, खुजली, इचिंग और इस प्रकार से जितने भी मेंटल सिम्टम हैं, जितने भी मानसिक बीमारियां हैं वो भी सोरा के अंतर्गत ली जाती है। तो सोरा के अंतर्गत जितनी भी हैबिट्स हैं वो सोरा के अंतर्गत आती है, जैसे एडिक्शन है कोई वो भी सोरा में आते हैं। अब अपन जाते हैं सिफिलिस। सिफिलिस के अंतर्गत हम वो बीमारियों को या वो दोषों को लेते हैं या वो लक्षणों को लेते हैं जिनमें बॉडी डिग्रेडेट हो रही है। डिग्रेडेशन मतलब बॉडी का क्षय हो रहा है, बॉडी से डिस्चार्ज निकल रहे हैं, बॉडी से सीक्रेशन हो रहा है, बॉडी कमज़ोर हो रही है। तो ये अपन जाते हैं इसको सिफिलिटिक मयाज्म में लेते हैं। सोरा अपन ने जो चर्चा की, सोरा का जो हेड रेमेडी है वो सल्फर है, ऐसे ही सिफिलिस का जो हेड रेमेडी है वो मर्कसोल, मर्क ग्रुप में आता है, मर्कसोल है। तो मर्कसोल के अंतर्गत जो सिम्टम्स आते हैं वो बॉडी के अंदर डिस्चार्ज होते हैं, बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्टेड जो भी सिम्टम होते हैं, जैसे छाले हो गए किसी को, लूज मोशन हो रहे हैं, इस प्रकार के सिम्टम अपन सिफिलिस के अंतर्गत लेते हैं। सिफिलिस के अंदर अल्सर भी आते हैं, तो डिग्रेडेशन हो रहा है बॉडी में, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अब तीसरा मयाज्म आता है साइकोसिस मयाज्म। साइकोसिस के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे नॉर्मल हेल्दी स्किन है या नॉर्मल हेल्दी इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये प्लेन थी, इसके ऊपर कोई गठान है, ट्यूमर है या मसा हो जाता है, वॉट्स होता है। तो अपन सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि आपके पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई मसा तो नहीं है बॉडी में, तो पेशेंट कहता हाँ हाँ है, अच्छा अच्छा तो उसको पहले कोशिश ये करते हैं कि उसके माइंड से जितने भी रूपरेख निकल रहे हैं, जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, पहले उनको कलेक्ट कर लेते हैं और उनके बेस पर अपन डिसाइड करते हैं कि ये सोरा भी है साथ में, सोरो साइकोटिक है कि सोरो सिफिलिटिक है या सोरो ट्यूबरकुलर है, तो ये डिसाइड कर लेते हैं। तो यदि कंस्ट्रक्शन हो रहा है बॉडी पर, कोई मस्सा है, ट्यूमर है, गठान है,
या बॉडी अपने आप ही बहुत ज़्यादा फूलती जा रही है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव मियाज्म। तो ये बहुत ईजी अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये कौन सा मियाज्म है। सिफिलिटिक मियाज्म में उससे म्यूकस मेम्ब्रेन से अफेक्टेड कोई बीमारी हो, जैसे आप कह सकते हो कि मुझे छाले बहुत होते हैं, ठीक है ना, या फिर मुझे अल्सर होते हैं, लूज मोशन बहुत लगते हैं, या पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे रात को बहुत परेशान होती है। तो सबसे मेन चीज़ है ये जो सिफिलिटिक मियाज्म है वो नाइट मियाज्म कहते हैं इसको, इसका पूरा एग्रीवेशन जो है रात के अंतर रात में होता है। तो जो सिफिलिटिक मियाज्म है, सिफिलिटिक मियाज्म का जो एग्रीवेशन टाइम है वो नाइट। मतलब आप समझ गए होंगे कि पूरा नाइट है जो सिफिलिटिक मियाज्म कवर करती है, एंड जो डे है वो साइकोटिक मियाज्म कवर करता है। यदि कोई बीमारी एग्रेवेट हो रही है दिन के समय तो वो अपन साइकोटिक मियाज्म के अंतर्गत लेते हैं। ऐसे ही कोई सिफिलिटिक मियाज्म में आ रही है तो वो रात के समय मर्क के जितने भी सिम्टम हैं, मर्क ग्रुप के या जितने भी मेडिसिन है सिफिलिटिक मियाज्म की, जैसे अपना मर्कसोल है, काली आयोड है और बहुत सी दवाएं हैं, ऐसे ही साइकोटिक मियाज्म के अंतर्गत सबसे हेड मेडिसिन जो होती है साइकोटिक मियाज्म की वो होती है थूजा। तो थूजा जो हेड रेमेडी होती है साइकोटिक मियाज्म की, तो थूजा को सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं सभी डॉक्टर लोग। क्या करते हैं कि साइकोटिक मियाज्म जैसे ही समझ में आता है कि इसको पेशेंट को वॉट्स हैं या इसको कोई गठान है, ट्यूमर है, कैंसर है, तो सबसे पहले दिमाग डॉक्टर का इसकी तरफ जाता है, होम्योपैथी डॉक्टर सीधा साइकोटिक मियाज्म पे जाता है, उसकी हेड रेमेडी थूजा है। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले थूजा दी जाए इसको, और सिम्टम जब तक कलेक्ट करते हैं, उनका सर्च करते हैं, उस रिपर्टराइज करते हैं, सबसे पहले थूजा करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे सिफिलिटिक मियाज्म में आपको समझ में आता है कि इसको अल्सर होते हैं, छाले होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं, तो सबसे पहले मेडिसिन इसको दी जाती है कि इसको मर्कसोल दे दो। फिर इसके बाद जब समझ में आता है कि हाँ इसको और भी सिम्टम समझ में आ रहे हैं, तो फिर मर्क के बाद दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ऐसे ही सल्फर का केस होता है, सल्फर में सोरा में जब समझ में आता है कि इसमें क्या करें, सोरा के सिम्टम, तो सोरा के साथ और भी कोई ऐड होता है, तो सोरा के साथ सिफिलिस है या साइकोसिस जुड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सल्फर के सिम्टम जब समझ में आते हैं कि हाँ सल्फर मेडिसिन देनी चाहिए, तभी सल्फर देना चाहिए, क्योंकि सल्फर में स्वीट पसंद करता है पेशेंट, मंदा मैला गंदा मैला कुचेला इसको क्या होता, नहाना पसंद नहीं होता, और ये फिलोसफर टाइप का पेशेंट होता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसफर समझता है, किसी भी छोटे से बर्ड पर बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता है। तो ऐसे ही चौथा मियाज्म होता है वो ट्यूबरकुलर मियाज्म होता है। इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं वो ज़्यादा एग्रेवेट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम के अंतर्गत आपको खांसी हो सकता है, कफ हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम आ जाते हैं, क्योंकि बीमारी का नाम होम्योपैथी के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि होम्योपैथी में डायग्नोस्टिक बेस्ड जो होता है वो बीमारी का नाम नहीं होता, तो सिम्टम कलेक्ट करते हैं। तो जिसके भी सिम्टम आते हैं, जिस मियाज्म के या चारों मियाज्म के एक साथ आ सकते हैं, तो कोशिश ये करते हैं होम्योपैथी में कि पेशेंट से जो भी वो नरेट करता है, जो भी सिम्टम बताता है, उसको एक कागज़ पर लिखते जाते हैं। डॉक्टर को पहले इंटरफियर नहीं करना चाहिए, जैसा वो बताता है वैसे लिखते चलो, जैसा वो लिखते जाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं डॉक्टर को रिपर्टराइज करना चाहिए। रिपर्टराइज करने के बाद डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि सिम्टम किस की तरफ जा रहे हैं, सोरा तो है इसको, सोरा के साथ सिफिलिस है या, तो कोशिश ये करते हैं कि यदि मर्क ग्रुप में जा रहा है तो पहले मर्कसोल दे देते हैं, अब कंस्ट्रक्टिव मियाज में तो फिर उसको साइकोटिक मियाज के अंतर्गत ले लेते हैं। अच्छा, ये जो ट्यूबरकुलर मियाज में, इसमें देखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी होती है या डायथेसिस बन गई है, बहुत ज़्यादा कफ ठंडी चीज़ों से एग्रेवेशन होता है या ठंडे से इसको परेशानी होती है, पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है ट्यूबरकुलर मियाज में, जैसे एक टीबी का पेशेंट होता है इसी टाइप का पेशेंट हो जाता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि पेशेंट का वेट कम हो रहा है या इसको इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, इसको कफ ड्राई कफ कंटिन्यूस रहता है, तो अपन ये देखते हैं कि ट्यूबरकुलर मियाज के अंतर्गत जा सकता है पेशेंट, तो उसके जो सिम्टम होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे जैसे पेशेंट नरेट करता है अपन लिखते जाते हैं, और इस प्रकार अपन चारों मियाज को क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा मियाज में, या दो मियाज साथ में, या तीन मियाज साथ में, या चारों मियाज साथ। बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत मज़ा आता है। डॉक्टर हनीमन जब इस चीज़ को उनने देखा कि ये चार जो दोष हैं मियाज में यही बीमारी का कारण होते हैं, तो फिर उनने इनको अलग अलग किया, क्योंकि होम्योपैथी में जितने भी क्रॉनिक डिसीज़ हैं वो मियाज बेस्ड होती हैं,
इनका ट्रीटमेंट आप एक्यूट मेडिसिन से नहीं कर सकते, और कोशिश ये करते हैं कि जो मेडिसिन है वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो मेडिसिन है वो मयाद को किल करने के लिए थोड़ा सा हाई पोटेंसी में देना चाहिए। कुछ इंटरकरेंट रेमेडी ज़रूर लो पोटेंसी में चल जाती हैं, बाकी जो मेन मेडिसिन है वो हाई पोटेंसी में देने से 15 दिन में या एक महीने में एक बार 1 mg/10 mg में भी दे सकते हैं। तो इससे क्या क्रॉनिक जो डिसीज़ है उस पर एक हैवी बार होता है, और वो धीरे 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 एक महीने दो महीने कभी कभी एक एक साल भी लग जाता है, दो दो साल भी लग जाता है, क्योंकि जो मयाज़्म की जड़ें होती हैं काफ़ी गहरी होती हैं, तो उसको जड़ से निकालने के लिए, इसलिए कहते हैं ना होम्योपैथी ऊपर से काम नहीं करती, वो किसी बीमारी को जड़ से निकालती है। मयाज़्म को जब हटा देंगे ना तो बॉडी के अंदर उसका कोई भी विष रह नहीं जाता, और फिर बॉडी इट विल नॉट रिपीट अगेन। नमस्कार, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।